नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जय अम्बेमा चैनल में। आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि हमारी माँ का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। मैं माँ के नाम से चैनल बना रही हूँ, लोग अपने नाम से बनाते हैं मगर हम अपनी माँ के नाम से चैनल बनाए हैं जय अम्बेमा। जो हमारे चैनल को देखे उसके ऊपर हमारी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसीलिए मैंने मानवे नाम का चैनल बनाया है। माँ हमेशा जो माने उसको भी रक्षा करे, जो ना माने उसकी भी रक्षा करें। माँ तो माँ होती है, इसलिए दोस्तों हमने अपनी अम्बे माँ के नाम से चैनल बनाए हैं। आप लोग जहाँ भी रहें हमारी माँ का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहे। आप हम क्या बनाने जा रही हूँ, फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आप हमारा वीडियो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूरन की सब्जी। ये सूरन बोलते हैं लोग, कोई तारीका से बोलते हैं, हमको भी इसको सूरन बोलते हैं। इसको मैंने मार्केट से मंगाया हूँ। इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बना के दिखाती हूँ दोस्तों। इसको हम ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये पौधे टूट देंगे, इसलिए कि लोग जो अपने खेतों से लाते हैं उनको तोड़ के वहीं पे गाड़ देते हैं कि पौधे फिर उग जाते हैं, मगर हम इसको मार्केट से मंगाए। इसको हम तोड़ के अलग करती हूँ। हाथों में थोड़ा हम तेल लगाएंगे, इसलिए कि थोड़ा किनकिनापन रहता है, हाथ में खुजली होने लगती है। इसको हम पहले इसको तोड़ के हम अलग कर दें। देखिए दोस्तों, इसके हम सारे जितने पौधे रहे हमने उनको अलग कर दिए। इसको हम अब इसमें सारी मिट्टियाँ लगी, इसको हम साफ पानी से धो लेंगे, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे धो लेंगे। ये दोस्तों हमने इसको साफ पानी से धो लिया है, और इसको हम काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। पहले इसको हम हाथ में, लोग पॉलीथीन बांधते हैं मगर हम पॉलीथीन नहीं बांधेंगे। हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथ में, ताकि हमारे हाथों में जलाहट ना हो। इसको हम ऐसे ही काटेंगे हाथ में तेल लगा के। देखिए दोस्तों, इसको हमने काट लिया, काट के इसके छिलके उतार दिया है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लिए हैं। इसको हम फिर साफ पानी से धोएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने साफ पानी से धो लिया है, बहुत अच्छा साफ कर लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक। इसको हम मिला के थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मिला के हम धूप में रखेंगे। ऐसे इसको हम मिला देंगे हाथ से। देखिए दोस्तों, हमने इसमें हल्दी और नमक लगा दिया है। इसको हम एक घंटे के लिए धूप में रखेंगे। देखिए दोस्तों, चावल को हमने धो लिया है। अब इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे, तब तक के लिए हमारे चावल पक जाएं। हम पूड़ियों का आटा तैयार करेंगे। आटा गूंद के तैयार कर लें। देखिए दोस्तों, हमने आटे को गूंद के रख लिया, थोड़ी देर के लिए हम गूंदने को रख लिया। हमारा आटा फूल गया, इसको हम पूड़ियाँ बनाएंगे। हमारे चावल भी पक रहे हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं सब्जी बना के। देखिए दोस्तों, हमने पूड़ियाँ बना रही हूँ। अब इनको पूड़ियाँ बना लूँ, हमारी पूड़ियाँ बहुत बढ़िया फूल रहे हैं। अब इनको हम बना के रख लूँ तो हम सारी पूड़ियाँ बनाएंगे। देखिए दोस्तों, पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको हम बना के रख दें। अब सब्जियाँ बनाने के लिए हम दिखाते हैं। इसमें हमने हल्दी नमक लगा के रख दिया, एक घंटे के लिए हमने रखा धूप में। अब इसका पानी देखिए कितना छूटा है, इसको हम अलग करते हैं। तो फिर हम इसको दिखाते हैं। काढ़े में डालेंगे हम सरसों का तेल, इसी में इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे
देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया। इसको हम इसके तेल में हल्का लाल होने तक पकाएंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सूरन फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इनको निकाल लिया है सूरन को। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। इसमें पहले डालेंगे जीरा तेल में, डालेंगे हम तेज पत्ते। इसमें हम डालेंगे थोड़े से सरसों के दाने। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा लाल हो रहा है। अब इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसमें हम दिखाएंगे मसाला। मसाला हमारा 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच लाल मसाला है, 1/2 चम्मच तीखी मिर्ची है, 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी हम कम डालेंगे इसलिए कि इसमें हमने हल्दी लगा के पहले से रख लिया है। ये हमारा टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया, कटी हुई धनिया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे मसाला पकने के लिए। इसमें हम डालेंगे मिर्च मसाला, जो अच्छा होता है। और इसमें डालेंगे टमाटर। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए दोस्तों, हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया, हमारी ग्रेवी पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे सूरन को। इसमें हम डालेंगे पानी। देखिए दोस्तों, इसमें हमने पानी डाल दिया है। हम इतनी ही ग्रेवी इतनी ही गाढ़ी रखेंगे। आप ना ज़्यादा इसको पतला बनाइए ना ज़्यादा मोटा, इसको थोड़ा मीडियम में बनाना चाहिए कि ज़्यादा ग्रेवी में स्वाद नहीं बनती है। इसको लेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी हम देखते हैं हमारी सब्जी पक गई कि नहीं। देखिए हमारी सब्जी पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह धनिया को इस तरह मिला देंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह इसकी ग्रेवी बनाई जाती है, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी, मीडियम में बनाई जाती है। इसको हम निकाल के थाली में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा खाना बनकर तैयार हो गया। हमारी सूरन की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई, पूड़िया बना लिया, चावल भी बना लिया। आप हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।